नमस्कार बच्चों, शिक्षाप्रद कहानी की श्रृंखला में आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। ये हम ये कहते हैं कि भाई दाने पे क्या है, लेकिन हकीकत में नाम लिखा हुआ है। एक समय की बात है कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज और उनके दो शिष्य बाला और मर्दाना किसी गांव से जा रहे थे, किसी गांव में जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक मकई का खेत आया। बाला स्वाभाविक बहुत कम बोलता था, मगर जो मर्दाना था वो बात की नहीं उधेड़ता था। मकई का खेत देखकर मर्दाने ने गुरु नानक जी महाराज से सवाल किया कि बाबा जी, इस मकई के खेत में जितने दाने हैं क्या वो सब पहले से निर्धारित कर दिए गए हैं कि कौन इसका हकदार है और ये किसके मुंह में जाएंगे? तो इस पर गुरु नानक जी महाराज ने कहा कि बिल्कुल, इस संसार में कहीं भी कोई भी खाने योग्य वनस्पति पर मोहर पहले से ही लग गई है और जिसके नाम की मोहर होगी वही जीव उसका ग्रास करेगा। गुरु जी की इस बात ने मर्दाने के मन के अंदर कई सवाल खड़े कर दिए। मर्दाने ने मकई की खेत से मक्का तोड़ लिया और उसका एक दाना निकालकर हथेली पर रख लिया और गुरु नानक जी महाराज से ये पूछने लगा, बाबा जी कृपा करके आप मुझे बताइए कि इस दाने पर किसका नाम लिखा है। इस पर गुरु नानक जी महाराज ने जवाब दिया कि इस दाने पर एक मुर्गी का नाम लिखा है। मर्दाने ने गुरु जी के सामने बड़ी चालाकी दिखाते हुए मकई का वो दाना अपने मुँह में फेंक लिया और गुरु जी से कहने लगा कि कुदरत का ये नियम तो बड़ी आसानी से टूट गया। मर्दाने ने जैसे ही वो दाना निकला, वो दाना मर्दाने की श्वास नली में फंस गया। अब मर्दाने की हालत तीर लगे कबूतर जैसी हो गई। मर्दाने ने गुरु नानक देव जी को कहा कि बाबा जी कुछ कीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, बेटा मैं क्या करूँ, कोई वेद या हकीम ही इसको निकाल सकता है। पास के गाँव में चलते हैं, वहाँ किसी हकीम को दिखाते हैं। मर्दाने को लेकर वो पास के गांव में चले गए। वहाँ एक हकीम मिले। उस हकीम ने मर्दाने की नाक में नसवार डाल दी। नसवार बहुत तेज थी। नसवार सूंघते ही मर्दाने को छींकें आने शुरू हो गई। मर्दाने की छींकने से मकई का वो दाना गले से निकलकर बाहर गिर गया। जैसे ही दाना बाहर गिरा, पास ही खड़ी मुर्गी ने झट से वो दाना खा लिया। मर्दाने ने गुरु नानक देव जी से क्षमा मांगी और कहा, बाबा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी बात पर शक किया। हम इस त्रिलोकी में फंसे हुए अंधे कीड़े हैं जो दर दर की ठोकरें खाते हैं और हम खुद को बहुत सयाना समझते हैं। बड़े अच्छे भाग्य से हमें ये शरीर मिला, बड़े भाग्य से सेवा मिली, सत्संग मिला और मुर्शिद ने, गुरु महाराज ने, हुजूर साहब ने हम जैसे कीड़ों की जिम्मेदारी लेकर नामदान की बख्शीश भी कर दी। हमें बिना किसी तर्क वितर्क कैसे क्यों कहा को छोड़कर गुरु जी का हुक्म मानना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, आपको क्या शिक्षा मिलती है कि हकीकत में दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा है। कई हम ये ना सोचें कि ये सब हमारे लिए हैं। जो मालिक ने लिख दिया, गुरु महाराज ने बता दिया, जो तकदीर में जो लिखा है वही मिलेगा। इसलिए कभी पछताना नहीं चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। जो मिले उसमें संतोष करना चाहिए। जो नहीं मिला है, जितना जो भाग्य में लिखा है वो आपको पक्का मिलेगा। इसलिए हमें कभी भी चिंता नहीं करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, धैर्य हमेशा रखना चाहिए। आप ये सोचिए हमें अभी मिले, ये ऐसा संभव नहीं है। धैर्य में ही सब कुछ है और गुरु जी का हुक्म मानना चाहिए। तो बच्चों, आज की शिक्षाप्रद कहानी आपको कैसे लगी? मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी और आई होगी। ज़रूर मेरे चैनल मेमोरी फैक्ट्स बाय राजेश सर को सब्सक्राइब करें और इसको आगे अपने दोस्तों में बढ़ाएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।